नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपको वेट लॉस के ऊपर अपनी रियल लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे कम किया था। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रख के किसी लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। समय पहले मेरा भी वेट लॉस बहुत ज़्यादा था, मैंने डाइटिंग की और भी मैंने बहुत कुछ किया और तब जाके 3 से 4 महीने में मेरा 10 to 15 kg वेट कम हो गया। मैंने वो कौन सी बातें अपनाई और आज उसी के ऊपर मैं चर्चा करूँगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ईट ओनली व्हेन यू आर हैंग्री। खाना तभी खाएं जब आपको रियल में भूख लग रही है। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में कुछ टेस्टी सा खाना बना हुआ है और हमने देखा और हमने खाना शुरू कर दिया। हम ये भी ध्यान नहीं देते कि हमारा पेट फुल है कि नहीं है और हम खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, तभी खाएं जब आपको भूख लगे। दूसरा है ईट ओनली व्हाट यू लाइक, नॉट व्हाट यू थिंक यू शुड। जो अच्छा लगे वही खाना खाएं। कई बार हम क्या करते हैं कि मुझे ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, इसका मन कर रहा है, वो चीज़ ना खाएं। अपने घर में बना के टेस्टी खाना जो आपको पसंद है वो खाएं। थर्ड है ईट एवरी माउथफुल कॉन्शियसली। जो भी खाएं इंजॉय कर करके खाएं। कई बार हम क्या करते हैं, टीवी देखते हुए या मोबाइल चलाते हुए हम खाना खाते जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कितना खाना खा चुके होते हैं और हमारा पेट फुल हो जाता है, उसके बाद भी हम खाते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जब खाना खाएं तो इंजॉय कर करके खाएं, एक एक बाइट को चबा चबा कर उसका टेस्ट लेते हुए खाएं। बुक में मैंने पढ़ा था कि US में एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च में 2 अलग अलग ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप की आँखों पर पट्टी बांधी गई और दूसरे ग्रुप के सामने TV चलाया गया, म्यूजिक चलाया गया। दोनों के सामने बराबर खाना दिया गया और जो ग्रुप आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर खाना खा रहा था उस ग्रुप ने 30% कम खाना खाया। उसका रीज़न ये था कि उनको ये नहीं बताया गया था कि उनको खाने में क्या मिल रहा है। उन्होंने एक एक बाइट को टेस्ट लेते हुए खाया और उनको पता चल गया कि उनका पेट फुल हो गया है। और जो दूसरा ग्रुप था वो ग्रुप क्या कर रहा था कि वो टीवी देख देख के खा रहा था और उसको यही नहीं पता कि वो कितना खाना खा गया, उन्होंने 30% ज़्यादा खाया। तो एक बात ये हमेशा याद रखें कि जब भी खाना खाएं, अगर आप रियल में आप वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो टीवी को बिल्कुल कट लगा दें। जब भी खाना खाएं स्वाद ले लेकर चख चख के बहुत आराम से खाएं। दिन में 5 बार खाएं, जो भी खाना बना है, दाल चावल रोटी जो भी खाएं, स्वाद ले लेकर खाएं। अगला है स्टॉप व्हेन यू थिंक यू आर फुल। रुक जाओ जब आपको लगे कि आपका पेट फुल हो गया। हम क्या सोचते हैं कि जितनी चपाती मैं 2, 4, 3 जितनी खाता हूँ ना, उतनी तो मुझे खानी ही खानी है, अगर इतनी नहीं खाई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जब आपको लगे आपका पेट फुल हो गया उस टाइम रुक जाओ, छोड़ दो उसको। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा माइंड हमें सिग्नल देता है कि बस अब फुल हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम खाते जाते हैं और 20 मिनट तो हम लगाते भी नहीं हैं, 10 से 15 मिनट में हमें जितना चाहिए होता है उतना हम खा जाते हैं। तो बिल्कुल चबा चबा कर खाओ, 32 बार चबाओ, बिल्कुल लिक्विड बना के खाओ जब तक 20 मिनट ना हो जाएं, और फिर 20 मिनट के बाद छोड़ दो। तो आप लोगों को क्या करना है कि वेट लॉस अगर आप रियल में करना चाहते हैं ना, तो अपने खाने की जो स्पीड है ना वो स्लो कर दो और जोर लगा के टीवी के ऊपर कट लगा दो कि कुछ भी हो जाए मुझे तो टीवी देखते हुए खाना खाना ही नहीं है। बिल्कुल एंजॉय के साथ आराम आराम से खाना खाइए, आप बिल्कुल वेट लॉस कर पाएंगे। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका वेट लॉस कम ना हो जाए। उसको अपना एक गोल बना लो, कुछ भी हो जाए, एक्सरसाइज करो, आप जुम्बा डांस करो मोबाइल ऑन करके। मैं क्या करती थी, मैं तो कभी दौड़ लगाती, कभी सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती, कभी
जुम्बा डांस करती थी मोबाइल ऑन करके, और तब तक नहीं रुकती थी जब तक मेरी शर्ट पसीने से भीग नहीं जाती थी। दूसरा, दंगल मूवी में मैंने आमिर खान का वेट देखा कि उनका वेट काफ़ी बढ़ा हुआ था और उन्होंने 2 महीने के अंदर अपना वेट लॉस कर लिया। और उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो होता है ना, वो डाइट का होता है वेट लॉस करने के लिए। आप कितनी कैलोरीज दिन में ले रहे हैं? सपोज करो आप 2000 कैलोरीज डेली लेते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे दिन भर काम करने के लिए 2000 कैलोरीज तो चाहिए ही चाहिए। और अगर आप डेली 2000 लेते जाएंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा, वो स्टोरेज बढ़ती जाएगी आपकी फैट की। तो आपको कैलोरीज कम करनी है, तभी तो जो गेन वेट है वो कम हो पाएगा, तभी तो बढ़ा हुआ वेट कम होगा। ये फैट एक बैंक अकाउंट की तरह है, अगर इसको कम करना है तो खर्चा तो ज़्यादा करना पड़ेगा और डालना कम पड़ेगा पैसा उसके अंदर, तो तभी कम हो पाएगा। तो इसी तरह हमें क्या करना है कि हमें कैलोरीज जो है कम मात्रा में लेनी पड़ेगी, और सबसे बड़ा ध्यान डाइट का रखना है कि हमें थोड़ा थोड़ा खाना है, चाहे बार बार खाएं, चबा चबा कर खाना है, तभी आपका वेट लॉस कम हो पाएगा। डाइट प्लान में खर्चा ज़रूर आता है, लेकिन हमें खर्चे की तरफ नहीं देखना है। हम क्या सोचते हैं कि महंगा मोबाइल चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, कपड़े भी महंगे महंगे चाहिए, लेकिन जो सबसे जो कीमती चीज़ है वो हमारा शरीर है। ये हमारी सबसे मजबूत गाड़ी है और इसको हमें चलाना है, और जब ये स्वस्थ रहेगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, घर, कपड़ा, मकान, सब, मतलब आपका जीवन बदल जाएगा। अपने शरीर को फिट रखें, इसको क्या चाहिए वो खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, हेल्दी फूड खाएं। तो अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो बहुत ही ज़रूरी है अपने शरीर का ध्यान रखना, फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिट रहोगे तो ज़्यादा दिन जिंदा रहोगे। बहुत सारे लोग हैं बड़े वेट की वजह से मर जाते हैं, हजारों बीमारियां हो जाती हैं, और वो न तो मरे हुए हैं न ही जीवित हैं, ऐसी अवस्था में चले जाते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखो, फिट रखो, डेली एक वीडियो ज़रूर देखो मोटिवेशन का, वेट लॉस से रिलेटेड। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा ही देखो, कोई भी देखो जो आपको अच्छा लगे। और रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, इस साइकिल को चलाते जाना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक आप फिट ना हो जाओ। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच।